नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में अपने बात करेंगे आज के बाजार भाव, तेजी मंदी रिपोर्ट और आने वाले समय में फसलों में क्या कुछ होने की संभावना बढ़ सकती है। तो आज तारीख है 7 सितंबर 2023, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। सभी साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। शुरुआत कर लेता हूँ अनूपगढ़ मंडी से। अनूपगढ़ मंडी में आज बाजार भाव क्या कुछ रहे हैं। नरमा बिके अनूपगढ़ में आज 7150 रुपये और सरसों बिके है 5105 रुपये और गवार बिके 5900 रुपये और मूंग बिके आपके 8652 रुपये और देसी कपास बिके 7777 रुपये। उसके बाद है गढ़साना मंडी की बात करूं तो मूंग बिके 8570 रुपये, सरसों 5179 रुपये, गवार 6050 रुपये और नरमा बिके आपका 6875 रुपये। उसके बाद जिला मुख्यालय गंगानगर की बात करूं तो गंगानगर में आज 5581 रुपये, गवार 6111 रुपये, मूंग 8914 रुपये, नरमा 7050 रुपये और चना बिके 5800 रुपये। मेरी मंडी सूरतगढ़ के मंडी भाव की बात करूं तो गेहूं 2261 रुपये, जौ 1601 रुपये और सरसों बिकी है 5025 रुपये। सरसों को कीमतों में आज गिरावट आई है, जिसका रीज़न अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान समय में क्या है कि सरसों जो सरकार ने खरीदी है वो वापस निकालने की सरकार सोच रही है। कैसे निकालेगी इस विषय पर अभी तक क्लियरिटी नहीं है। उम्मीद है आने वाले 10 दिनों बाद ये क्लियर हो जाएगा या 10 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सरकार है अपनी वो सरसों जो खरीदी है वो वापस मार्केट में व्यापारी वर्ग को बेचेगी या उसका क्या किया जाएगा। अभी तक उस पर कन्फर्म नहीं है, तो जुड़े रहेंगे चैनल से तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। संग्रिया मंडी की बात करूँ तो सरसों बिकी 5175 रुपये, गवार बिका 5950 रुपये, गेहूँ बिकी 2351 रुपये और मूँग बिके हैं 8400 रुपये। बरवाड़ा मंडी में नरमा बिका है 7350 रुपये, पुराना बिका है 6751 रुपये, देसी कपास 8352 रुपये, सरसों 5152 रुपये और उसके बाद जैतसर मंडी की बात करूं तो सरसों बिकी है 40.67 लैब की 5220 रुपये, गेहूं बिकी है 2380, गवार 5980 रुपये और मूंग बिके हैं 8510 रुपये। गैसिंगपुर की बात करूं तो गैसिंगपुर में आज सरसों बिकी है 5171 रुपये, मूंग 8671 रुपये, गवार 5980 रुपये और चना 6095 रुपये। बरवाड़ा में नरमा 7350 रुपये, देसी कपास 8474 रुपये, फतेहबाद में कपास 8100 रुपये और नरमा 8100 रुपये प्रति क्विंटल बाजार भाव रहे। बट्टू मंडी में आज नरमा 7280 रुपये और पुराना गवार 5800 रुपये, नया गवार 5731 रुपये, बाजरा 2000 रुपये। आदमपुर मंडी में नया नरमा 7372 रुपये, पुराना नरमा 7755 रुपये, गवार 6155 रुपये, चना 6161 रुपये और सरसों 41.46 लैप की 5260 रुपये बाजार भाव रहे। सिरसा मंडी की बात करूँ तो नरमा बिका 7268 रुपये, पुराना नरमा 7285 रुपये, देसी कपास 8150 रुपये, सरसों 5200 रुपये, गवार 5951 रुपये बाजार भाव रहे हैं और 1509 धान रहे हैं 3531 रुपये। एलनाबाद मंडी की बात करूँ तो एलनाबाद मंडी में आज नरमा बिका नया 7200 रुपये, पुराना 7191 रुपये, मूँगफली 6315 रुपये, सरसों 5175 रुपये, चना 5985, गवार 5925 रुपये और उसके बाद अगले जो मूंग है वो है 8545 रुपये बाजार भाव रहे हैं। रावतसर मंडी की बात करूं तो रावतसर में आज मूंग 8511 रुपये, मोठ 7380 रुपये, गवार 6150 और गेहूं 2300, तारामीरा 5200, नरमा 7200 रुपये, जो 1740 और तिल 15300 रुपये के बाजार भाव रहे हैं। नौर मंडी में आज गवार की बात करूं तो 6664 रुपये, मोठ 7651 रुपये, चना 6670 रुपये, मूंग के भाव 8900 रुपये और सरसों 5447 रुपये, नरमा के भाव 7200 रुपये और मूंगफली के भाव 6691 रुपये बाजार भाव रहे। उसके बाद अपने रायसेनगर मंडी की बात करें तो रायसेनगर में आज गुवार 5991 रुपये, मूँग 8500, चना 6040 रुपये, सरसों 5574 रुपये और नरमा 7065 रुपये बाजार भाव रहे हैं। उसके बाद है रावड़ा मंडी की बात करूं तो रावड़ा में आज सरसों बिकी है 5105 रुपये, गवार 5805 रुपये, नरमा 7130 रुपये और मूंग 8440 रुपये बाजार भाव रहे हैं। गोलवाला मंडी में सरसों बिकी है 5270 रुपये, नरमा 7100 रुपये और
चना बिके 5551 रुपये, ग्वार 6090 रुपये और मूंग बिके 8350 रुपये। विजयनगर में सरसों 5078 रुपये, नरमा 6821 रुपये, चना 5560 रुपये। जैत और उसके बाद गैसिंगपुर मंडी में सरसों बिकी है 5173 रुपये, मूंग 8671 रुपये, ग्वार 5980 रुपये, चना 6095 रुपये। जयपुर में आज सरसों की कीमतें लगभग डाउन रही हैं, बाजार भाव 5825 रुपये, चरखी दादरी में 5450 रुपये, दिगनेर सलोनी में 6250, अलवर सलोनी में 6275 रुपये और आदमपुर में नया नरमा 7333 रुपये, पुराना नरमा 7280 रुपये। आज बाज़ारों की अगर अपने बात करें तो सरसों की कीमतों में आज गिरावट देखी गई है। नरमा हालांकि गिरावट और तेज़ी दोनों भाव रहे, कुछ मंडियां 100-150 रुपये डाउन रही हैं, कुछ मंडियां 150 रुपये तेज़ रही हैं। कुल मिला के बात करूँ तो सरसों में आने वाले 10 या 15 दिनों में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है और इसी को ध्यान में देखते हुए सरसों की कीमतों में डाउन भी आ सकता है। डाउन कितना आए कह नहीं सकता, लेकिन 90% जो अनुमान है वो डाउन आने का अनुमान है। कॉटन की कीमतों में और मूंग की कीमतों में हो सकता है सुधार देखने को आपको मिले, लेकिन इस सप्ताह में कोई सुधार नज़र नहीं आएगा। अगले सप्ताह में बढ़ सकता है, बड़े लेवल का कोई सुधार नहीं होगा, छुटपुट सुधार आपको देखने को मिल सकता है। जो साथी चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।